व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऑस्ट्रेलिया का जो मेट्स वीज़ा है, जो लॉटरी वीज़ा है इंडियंस के लिए ओपन हुआ है, आप उसको अप्लाई कैसे कर सकते हो, यानी कि हाउ टू अप्लाई मेट्स वीज़ा। तो कैसे अप्लाई होगा, ईमेल अकाउंट पर जाके क्या क्या स्टेप्स जो है वो आपको फॉलो करने हैं, वो आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर मिलेगा। अगर कोई भी डाउट्स क्वेरीज रह जाती है आप लोगों की, तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर आके भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये अगर आप देखोगे, ये ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की साइट है, तो यहाँ पे जो लॉटरी वीज़ा है वो अभी स्टार्ट हो चुका है, बैलेट स्टेटस यहाँ पे एक्टिव आ रहा है, यानी कि 7 जनवरी 2025 तक जो है वो ये स्टेटस जो है वो एक्टिव रहेगा, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो है 7 जनवरी 2025। तब तक आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे पहले आओ पहले पाओ वाला कोई काम नहीं है, तो आप आराम से अपनी एप्लीकेशन कीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इमी अकाउंट पर और वहाँ पर बताता हूँ कि किस तरीके से ये जो है आपका प्रोसेस होगा अप्लाई करने का। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये ईमी अकाउंट का इंटरफेस है जो कि आपके सामने है। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो नीचे आपके सामने एक चीज़ आती है, वीज़ा प्री एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है रजिस्ट्रेशन मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, यानी कि जो मेट्स वीज़ा है 403 इसका जो सब क्लास है वो है, इसके ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इसका पूरा नाम आ जाता है। फिर आपने प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ये जो आपका फॉर्म है यहाँ पे, जो टोटल फॉर्म है वो आपने फिल करना है। तो फॉर्म का जो इंटरफेस है वो कुछ सेम रहेगा जैसे कि यूके में था ना, जो यूथ मोबिलिटी वीज़ा था, कुछ वैसा इंटरफेस है, ज़्यादा कुछ इसमें वो इतना नहीं है। तो आप लोगों ने जो सबसे पहले है आई एक्नोलेज डेट, तो ये आपने यहाँ पे इसको रीड आउट करके और यहाँ पे जो टिक मार्क है वो करने हैं। तो मैंने सबके अंदर यहाँ पे टिक मार्क कर दिया है, अगर आपको जो भी देख लेना अच्छे से, अगर आपको कोई नो वाला लगता है तो आप कर देना अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी यहाँ नीचे आती है योर डिटेल्स, तो अपनी जो डिटेल्स है वो आप लोगों ने यहाँ पे फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है द डिटेल्स एंटर्ड हेयर मस्ट बी द सेम एज योर पर्सनल पासपोर्ट। तो पासपोर्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने यहाँ पे जो डिटेल्स है वो भरनी है, तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे भर देता हूँ एक बार आपको। मैं ये सिर्फ जस्ट शो करने के लिए भर रहा हूँ, बाकी ये कुछ कोई मेरा रियल डिटेल नहीं भर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो आप चीज़ देख लेना। फिर आपने अपना सेक्स भरना है, क्या मेल हो फीमेल हो जो भी हो, वो आप लोगों ने यहाँ पे भर देना है। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने रैंडमली ऐसे उठा के मैं भर रहा हूँ जो डिटेल्स है, तो वो मेरी डिटेल्स नहीं है, आप उसको ऐसा ना सोचे कि यूज़ कर लेना, तो ठीक है। बाकी यहाँ पे आपकी पासपोर्ट का नंबर आ जाएगा, कंट्री और पासपोर्ट आपको पता है कि इंडिया ही है, क्योंकि ये जो वीज़ा है वो खासकर इंडियंस के लिए है, बाकी किसी कंट्री के लिए नहीं है। आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ था वो आप लोगों ने यहाँ पे फिल करना है, तो देख सकते हो आप यहाँ पे जो पासपोर्ट की डेट है वो हम भर देते हैं। एक्सपायरी डेट मैंने पासपोर्ट की भर दी है यहाँ पे। फिर नेशनल आईडी नंबर आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना है, जो कि पहले भी उन लोगों ने बता रखा है कि पैन कार्ड यहाँ पे आपके पास होना मैंडेटरी है। तो जो भी आप लोगों के पास है वो आप लोग यहाँ पे भर सकते हो पैन कार्ड का नंबर जो भी आपका होगा। ये भरने के बाद जो नीचे ईमेल एड्रेस आता है वो आप लोगों को डालना है, क्योंकि ईमेल एड्रेस इसमें मैंडेटरी है, इसके थ्रू ही आपको जो ईमेल वगैरह है सारे कुछ वो डिलीवर होगा। तो यहाँ पे जाने के बाद नीचे आपके पास एजुकेशन का आता है, तो एलिजिबल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है, देखो बैचलर डिग्री आपके पास है, बैचलर डिग्री ऑनर्स है, रिसर्च है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, मास्टर डिग्री है, या फिर डॉक्टरल डिग्री आपके पास है। तो जो भी है वो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, तो मैं कर देता हूँ। फिर एरिया ऑफ स्टडीज़ आपका क्या है, देखो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं वो पहले वाली थी एग्रीकल्चर, जैसे कि 7 फील्ड में इन लोगों ने आपको सिलेक्ट करना है, तो वही है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI यानी कि इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन यानी कि ICT, माइनिंग और रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे जो भी है वो आप लोगों ने अच्छे से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये करने के बाद जो नीचे वाले पॉइंट है ये ऑलमोस्ट सारे टिक करने वाले ही है, बाकी आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, बाकी मैंने तो इसको रीड आउट कर लिया है, ये सारे ऑलमोस्ट यहाँ पे टिक करने वाले ही है कि भाई मैं इसके बारे में जानता हूँ कि इसकी जो टर्म कंडीशन है वो मेरे को पता है, इसमें जो फीस होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, कोई गारंटी नहीं होती वीज़ा की, ये वो ये सारी चीज़ें, तो आप इसको अच्छे से रीड आउट कर सकते हो। ये करने के बाद आप लोगों ने इसको रिव्यू करना है, रिव्यू करोगे तो आपके सामने ये इस तरीके से आ जाता है। तो जो भी आपका जैसे दिक्कत होगा, क्योंकि मेरा इसमें नेशनल आईडी जो मैंने है वो सही नहीं भरा है, इसलिए मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये पूरा करने के बाद रिव्यू करोगे, रिव्यू में आपने अपने जो नेम वगैरह भरे वो अच्छे से आप लोगों ने देखने, देखने बाद इसके बाद आपने आगे उसको प्रोसेस करना है। जैसे ही प्रोसेस करोगे तो आपके पास एक पेमेंट का ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ पे आप लोगों ने ऑस्ट्रेलियन $25 पे करने हैं, और पे करने के बाद आपका जो फाइल है वो आप लोगों ने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको मेल वगैरह मिल जाएगा कन्फर्मेशन का, और आपकी जो फीस पेड है वो उसका भी आपको जो मेल है वो आ जाएगा।
उसके बाद आप लोगों ने वेट करना है कि आपका कब आता है, वो आपको बताऊंगा कि रिजल्ट कब आएगा इसका, कितना टाइम लगेगा रिजल्ट आने में, वो आपको आगे की वीडियोज़ में पता चल जाएगा। तो अब भी कोई आपके डाउट क्वेरीज है, आप लोगों को कुछ भी पूछना है, तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर आके पूछ सकते हैं। तो होप करता हूँ कि ये वाली इन्फॉर्मेशन और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, समझ आई है। अच्छी लगी है, समझ आई, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें चैनल को, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो जो आप लोगों को फ्यूचर में पहुँचती रहे। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।